गुजरात में दूसरे दौर के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, सीएम योगी आदित्यनाथ संभालेंगे बीजेपी के प्रचार की कमान। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे अहमदाबाद में करेंगे रैली, 11:30 बजे खेड़ा में करेंगे प्रचार और दोपहर करीब 1:45 बजे आनंद के खंबात में करेंगे रैली को संबोधित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज करेंगे बीजेपी का प्रचार, पाटन में दो रोड शो करके जनता से करेंगे वोट की अपील। स्मृति ईरानी पहला रोड शो सुबह 10:00 बजे मोरसा में करेंगी, दूसरा रोड शो दोपहर 1:00 बजे सिद्धपुर में करेंगी। गुजरात के जमालपुर में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में हंगामा, एक युवक ने सवाल करने पर पार्टी उम्मीदवार ने साबिर कबूलवाला को बुलाया। साबिर के भाषण के दौरान एक युवक ने उठाए सवाल, साबिर ने गुस्से में कहा आज मैं तुझे जवाब देता हूँ। साबिर के बाद मंच पर आए ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस वाले बहस के काबिल नहीं, राहुल गांधी 5 मिनट में उनके सामने नहीं टिक सकते। ओवैसी ने कांग्रेस पर लगाया मुसलमानों को मिटाने का मंसूबा बनाने का आरोप, कहा कांग्रेस ने यहां की फैक्ट्रियां बंद करवाई, हमारे लोगों को बेरोजगार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया वडोदरा में रोड शो, कार्यकर्ताओं ने गुब्बारे से किया स्वागत। गुजरात में दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, अहमदाबाद में 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने भद्रकाली मंदिर में की पूजा, पुजारी ने तलवार और चुनरी भेंट की। रोड शो के दौरान पीएम ने 4 विधानसभा सीटों को किया कवर, मोदी को देखने सड़क किनारे उमड़ी भारी भीड़। रोड शो के बीच में पीएम मोदी ने अंबेडकर प्रतिमा पर की फूल चढ़ाए, पूरे रोड शो के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित, कहा पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का आज आखिरी दिन, 5 दिसंबर को वोटिंग। सपा उम्मीदवार डिंपल यादव आज दोपहर 2 बजे जसवंत नगर में करेंगी रोड शो, शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी होंगे शामिल। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में आज उतरेंगे जयंत चौधरी, आजम खान के साथ दोपहर 2 बजे किला मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित। मैनपुरी में सीएम योगी ने समाजवाद की नई भरी भाषा समझाई, का अखिलेश के लिए समाजवाद अवसरवादी। रामपुर की रैली में अखिलेश शिवपाल पर बरसे, सीएम योगी ने कहा हमें 5 लाख युवाओं को नौकरी दी, सपा की तरह चाचा भतीजा मिलकर वसूली नहीं की। अखिलेश यादव का आरोप, बीजेपी के इशारे पर पुलिस कर रही है काम, अगर आपके घर आए तो उनसे भी मांग लेना वोट। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को सीबीआई ने किया समन, दिल्ली शराब घोटाला के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई ने के कविता को 6 दिसंबर को किया तलब, सुबह 11 बजे सुविधा के अनुसार दिल्ली हेडक्वार्टर या हैदराबाद में आने के लिए कहा है। के कविता ने दिया सीबीआई के समन का जवाब, 6 दिसंबर की सुबह 11 बजे हैदराबाद में अपने घर पर आने के लिए कहा। AIUDF चीफ मौलाना बद्रुद्दीन अजमल का गुवाहाटी में विवादित बयान, का हिंदू 40 साल से पहले शादी नहीं करता तो बच्चा कहां से होगा, मुसलमानों की तरह 18-20 साल में शादी करनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर बोलते हुए मौलाना बद्रुद्दीन का आरोप, कहा कि हिंदू 40 साल से पहले गैर कानूनी तरीके से 2 से 3 बीवियां रखते हैं। बद्रुद्दीन अजमल पर भड़के असम के बीजेपी विधायक जी खालिता, कहा हमें मुस्लिमों से सीखने की जरूरत नहीं। मुजफ्फरपुर के कुड़नी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में जनसभा में हंगामा। CTIED अभ्यर्थी नौकरी की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन, पुलिस के हटाने पर किया हंगामा। उदयपुर के पास हाईवे पर सेना के ट्रक में लगी आग, ट्रक में भड़ाता गोला बारूद, आग लगते ही ट्रक में धमाके हुए। ट्रक में सवार सेना के 2 जवान और ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान, ट्रक में आग लगते ही जवानों ने हाईवे पर रुकवाई ट्रैफिक। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 87वां दिन, राहुल गांधी ने आगरा की मुहडिया बस स्टॉप से शुरू की पदयात्रा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर किया अटैक, कहा सिंधिया एक गद्दार हैं, सच्चे गद्दार, असली गद्दार और 24 कैरेट गद्दार। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी में वापसी पर बोले जयराम रमेश, पार्टी में सिब्बल की वापसी हो सकती है, सिंधिया और हेमंता बिस्वा की नहीं। कांग्रेस की आज दिल्ली में बैठक, शीतकालीन सत्र की रणनीति तय करने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे चर्चा। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी होंगे शामिल, लोकसभा में मुख्य सचेतक के सुरेश, राज्यसभा के मुख्य सचेतक जयराम रमेश सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ सीएम के डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई। कोर्ट में सौम्या चौरसिया को 4 दिन के लिए ईडी की रिमांड में भेजा, ईडी ने मांगी थी 14 दिन की रिमांड। आफ्ताब का पोस्ट नाको टेस्ट रहा सफल, आफ्ताब ने नाको और पोस्ट नाको टेस्ट में दिए एक जैसे जवाब। श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए आफ्ताब ने चाइनीज चॉपर का किया इस्तेमाल, श्रद्धा के सिर को महरौली के जंगल में फेंका। LG को सौंपी गई रिपोर्ट में सत्येंद्र जैन पर बड़ा खुलासा, अपने पद का गलत इस्तेमाल कर जेल के 5 कैदियों से करवाई सेवा। सत्येंद्र जैन के खाने पीने के सामान खरीदने के लिए कैदियों के कैश कार्ड का इस्तेमाल, जैन के करीबी कैश कार्ड में डालते थे पैसे। मैच में दोनों गोल उरुग्वे के जॉर्जिया जी ऑर्केस्ट्रा ने किए, ऑर्केस्ट्रा ने 26वें ओवर और 32वें मिनट पर गोल दागे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का बयान, एशिया कप 2023 का लोकेशन बदला गया तो पाकिस्तान नहीं ले सकता हिस्सा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।